हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम और मेरा नाम है वजह। तो भाई साहब, अलकनंदा भाग गई है घर से भागे, देखते होता है क्या। स्टार्ट अरे लेट रहे ना, ये क्या लिखा हुआ बेलरी? क्या भागने में कामयाब होती है जमीन? क्या हुआ? अंदर आओ। कड़ा गिर गई। ला क्या हुआ? अलकनंदा, अब वाले वो भाग के आ रहे हैं। अबे पकड़ी ना जाए, बद्री के कड़े के लिए वापस मुड़ गया पीछे। बद्री नहीं जाती है, अपना ही पकड़ लिया। जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे पिछली खाने में घुस गया ना। क्या कर रहे हैं आप? डैड, मुझे क्यों मारा? बद्री को खत्म करके इसे यहाँ लाने के लिए कहा था ना। हाँ, तो मार कर ही तो लाया। कैसे कंफर्म किया कि वो मर चुका? इन्हीं उंगलियों से कंफर्म किया था मैंने, वो मर चुका था। नहीं, वो जिंदा है, इसीलिए ये भाग रही है। क्या बात है सरकार, अब समझ आया तुम यहाँ कैसे राज कर रहे हो? इनके लिए तो मन में जरा भी इज्जत नहीं है, लेकिन आपको इज्जत देने का मन कर रहा है। आप मुझे इनकी बहू बनाएंगे, यही वादा किया था ना आपने इनसे। लेकिन बद्री ने भी मुझसे वादा किया है कि वो मुझे किसी भी हालत में यहाँ से ले जाएगा। आपने मुझे तो यहाँ से जाने से रोक लिया, लेकिन बद्री को यहाँ आने से रोक नहीं पाएंगे। मैं तूफान को आने से कौन रोकेगा? कायनात में ऐसी कोई चीज नहीं जिसे मैं ना कर सकूं। उसके साथ तेरा भी गुरूर खत्म करूंगा। सरकार, पूरी कायनात में सबसे ताकतवर चीज क्या है जानते हैं? टेंशन को पेंशन दीजिए, मैं बना देता हूँ। प्यार नहीं, बद्री, मेरे बद्रीनाथ। गलती से भी उनका सामना करने की कोशिश मत करना, तबाह हो जाओगे। बहुत जबान चलाती है। जिस लड़की को भगवान पर यकीन ही नहीं था, उसके दिल में यकीन क्यों जगाया? वो तुम्हारे भरोसे वहाँ बैठी है कि तुम आओगे और उसे बद्रीनाथ के दर्शन करवाओगे। मुसीबत में फंसी उस लड़की को मिट्टी भेजकर तुमने उसकी आस क्यों जगाई? हर एक धर्म हमें मोहब्बत करना ही सिखाता है, और जो मोहब्बत तुमने उसके दिल में जगाई है, अगर तुम वहाँ नहीं जाओगे तो ऊपर वाले से उसका भरोसा उठ जाएगा, और हो सकता है कि वो खुदकुशी भी कर ले। ये तो हो सकता है, मिट्टी भेज के विश्वास तो जगाया। लेकिन बद्री फंस गया है रब बेचारा। ये तो गुरु जी है। हाँ, अरे सुनो, जल्दी जल्दी काम करो, वक्त कम है। मंदिर खुल गया। हाँ खुल गया। तो उसने वचन दिया था ना बद्री ने कि 6 महीने बाद दर्शन नहीं करूंगा। सरकार आ गई। कौन हो तुम लोग? यहाँ कैसे आए? हमारे गुरुजी की गैर मौजूदगी में ये सब करेगी? गुरुजी कहाँ है? बता, बद्री कहाँ है? ए, अलकनंदा को लेने के लिए तेरे ही गांव गया है। तुम्हारे बेलारी में बस 10 मिनट में पहुंच जाएगा वो। वो इधर आया, वो उधर चला गया। तुम उसका कुछ नहीं कर सकते, जा चले जा यहाँ से। बच्चे ना कर के तो मार ना देते थे। बद्री एक भड़कती हुई आग है, उसके करीब जाओगे तो खाक हो जाओगे तेरे बेटे के साथ। आज तक हमारी इजाजत के बिना मेरा कोई भी दुश्मन बेलारी में कदम रखकर जिंदा वापस नहीं लौटा। वो बद्री भी नहीं लौटना चाहिए। उसे वहीं पर दफना देना। तूफान है, तूफान आ गई बद्री बेलारी में। ओ ओ ओ ए, अरे बाप रे। कदम रखने से पहले ही मैंने एक सर उड़ा दिया है। 4 कदम आगे बढ़ा तो कोई नहीं बचेगा। किसी से किया वादा पूरा करने के लिए आया हूँ, मेरे रास्ते में मत आना। तेरे लिए बेहतर यही होगा कि तू अलकनंदा के बारे में सोचना बंद कर दे।
उसकी होने वाली बीवी है वो। मेरा रास्ता रोक के तुम मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो। भक्त और भगवान का मिलन कराना है, रास्ते से हट जाओ। क्या कहा? मेरी जगह पर आकर मुझे धमका रहा है? धमकी नहीं चेतावनी समझो, काट डालो इसे। शेर वही होता है जो दूसरे की जगह पर जाए। तुम तो भाग रहा आगे आना। गए अलकनंदा, तुम्हें ले जाने के लिए बद्री आया है। ओहो, देखो भाई अलकनंदा जी, भाई बद्री जो आया है। ओ लड़काने आ, कहाँ जा रही हो? ऊपर जाओ। ओ अबे आगे मत, जब बद्री आया तो अलकनंदा में भी ताकत आ गई। ओके सब छोड़ा दिया। उसका बेटा किधर गया भाई? बेटा भाग गया होगा। बद्री सिर्फ दर्शन कराने के लिए उसको मिला। लेकिन अलकनंदा कुछ और समझ रही है। देख लीजिए स्वामी जी, ये हमारा तक्षशिला नहीं जल रहा, आपका बद्री के ऊपर यकीन जल रहा है स्वामी जी। हमारे जख्म तो भर जाएंगे, ये तक्षशिला भी दोबारा बनाया जा सकता है, लेकिन जिस लड़के को आपने हमारे धर्म और संस्कृति की रक्षा करने के लिए चुना, एक लड़की के लिए वो सब कुछ ठुकरा कर चला गया। वचन भी पूरा नहीं करने गया, भगवान जी का और उसका भरोसा। हेलो, नकली हाथ पैर की दुकान? हमें 20 पैर 30 हाथ चाहिए और बाकी के ऑर्डर बाद में देता हूँ तुम्हें। घबराओ मत, मैं अपनी दुकान नहीं खोल रहा हूँ। एक अकेले आदमी ने हमारे आदमियों को बहुत मारा है, उनके लिए चाहिए। और बकवास बंद करो, धंधे पर ध्यान दो। 20-35 हाथ। मालिक, पूरा घर अस्पताल में तब्दील हो गया है। आपका नसीब अच्छा था कि आप यहाँ मौजूद नहीं थे, नहीं तो एक नकली टांग और नकली हाथ आपके लिए भी मंगाना पड़ता। ये बात आप ही कहते थे ना कि दो प्यार करने वालों को कभी जुदा नहीं करना चाहिए। मुझे आपके लिए बुरा लग रहा है। उसे छोड़ूंगा नहीं। छूना मत। 1 करोड़पति बाप की लाडली बेटी थी मैं। दुनिया भर के रिश्तों को ठुकरा कर तुमसे शादी की थी मैंने। अच्छा। और वो भी मंडप से भाग कर। जानते हो क्यों? तभी इतना घमंड। क्योंकि मेरा दिमाग भी तुम जैसा शातिर है। आज से 20 साल पहले तुम बस एक मामूली गुंडे थे और आज पूरे देश में तुम्हारी हुकूमत है। लेकिन तुम्हारी हुकूमत के बावजूद आज तुम्हारा बेटा इस हाल में पड़ा है। आगे तुम पहले वाले सरकार नहीं रहे। शर्म करो, उस बद्री की वजह से आज मेरे बेटे की ये हालत हुई है। मेरे बेटे की आँख खुलने से पहले उस बद्री की आँख बंद होनी चाहिए। अलकनंदा मेरे बेटे के कदमों में होनी चाहिए। अब जाओ। ले भाई, गेट खुल गया। आपको भक्ति की एंट्री हो रही है। रुक जाओ बद्री। भोलेनाथ की कसम खाकर कसम तोड़ी है तुमने, इस जगह को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाओ। इनकी हम क्यों सुने? चलो। वो मेरे लिए सिर्फ गुरु नहीं, भगवान समान है। तुम्हें अपनी इच्छा पूरी करनी है, जाओ जाके ज्योति दर्शन कर लो। अब जाओ। लेकिन जाओ। अरे भाई साहब, भाई ये क्या हो गया यार? अब भाई साहब ट्रेन से उतरा है तो ट्रेन के स्टेशन पे लाशें बिछा दी। लाशें पर किसी का हाथ काट दिया, किसी का पांव काट दिया। फोन करके बोलता है 30-20 टांगे 30 हाथ भिजवा दे भाई। वो कहता है अगला के दुकान को नहीं, कहता नहीं भाई उसने प्यार से टक्कर ली है ना। मसला ये है, प्यार से टक्कर लोगे तो ये। और खुद ही बोलता है कि प्यार से टक्कर नहीं लेना चाहिए। वो बंदे ने बोला ना उसके अपना ही है बिल्कुल। और अभी तो भाई साहब गुरु जी ने भी बोल दिया है कि भाई तूने एंटर अंदर नहीं होना बद्री को। भाई साहब तुम तो आओ मेरे साथ। वो कहता नहीं है मेरे लिए भगवान समान है तो मैं भाई साहब अंदर नहीं। और सिर्फ यार देखो वचन बद्री पूरा कर रहा है। हाँ यार वो मतलब के जो वचन दिया हुआ था वो ये इसलिए नहीं, ये मोहब्बत की खातिर कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है कि
भाई उसका भगवान और आपस में एक जो है ना अलकनंदा का वो ताकि कनेक्शन कायम रहे, ताकि उसका भरोसा दोबारा भगवान से। और अलकनंदा को देख कितना बद्रीनाथ पे भरोसा हो गया, उसने बद्री भी नहीं बोला, उसने प्यार भी नहीं बोला, उसने कहा मुझे बद्रीनाथ पे भरोसा है यार। देख ले, लेकिन अब आगे देखते हैं अब आगे होता है क्या। तो